तो भारतीय बाजार वैसे तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन इस दायरे में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी कामकाज होते हुए दिखाई पड़ेंगी, वहाँ पर ज़्यादा एक्शन है। फ्रंटलाइन इंडेक्स में आपको शायद बहुत एक्शन ना भी दिखाई पड़े, एक दायरे में रहे, मिड कैप में भी इंडेक्स पे दायरे में रहे, हालांकि एक लोअर लेवल से बाइंग ज़रूर आई है, इंडेक्स को फ्लैट कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप स्लोली एंड स्टेडली चल रहे हैं और चलते चलते डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडेक्स में एडवांस डिक्लाइन यथास्थिति बरकरार है। 1300-1350 शेयर तेज़ी में और करीब 1090 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। ब्रिजेश आयल हमारे साथ मौजूद है IDBI कैपिटल के बातचीत करने के लिए। ब्रिजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि वैसे तो पूरा बोरिंग मार्केट है, आप अगर इंडेक्स को देखेंगे तो शायद कुछ भी एक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, पूरे दिन FMCG होल्ड कर रहा है, बैंक्स प्रेशर में है, IT दायरे में है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी है। सो आप कैसे ट्रेड कर रहे हो आज की मार्केट को इंडेक्स फ्रंट पे? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सो बेसिकली हमें क्या देखा था कि लास्ट फ्राइडे को एक गैप अप हुआ था, उसके बाद मंडे का एक सेशन हुआ जिसमें थोड़ा सा साइडवेज रहा, और आज मुझे लगता है फिर से एक मोमेंटम है मार्केट में। मैं मानता हूँ इसमें एग्रेसिव मोमेंटम नहीं है, बट देन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पोजिशन जो ऑप्शन में जो डेटा बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है। तो मेरा मानना है कि 25,400-450 के आसपास जो अभी जो एक हालांकि जो 30-35 पॉइंट्स जो पॉजिटिव है निफ्टी, वो और 35-40 पॉइंट्स और पॉजिटिव हो सकता है। 25,450 तक का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रेड मोमेंटम ट्रेड में देख रहा हूँ, बायस पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है कि उतना तो फिलहाल यानी और लार्जर डिग्री के अगर आप बात करें तो 25,500-25,600 का मेरा डायरेक्शनल व्यू है मार्केट के ऊपर, तो मुझे लगता है वहां तक जा सकता है। और निफ्टी बैंक, क्योंकि वहाँ पर 1900 थोड़ी सी वीकनेस है, सपोर्ट फिनेंशियल में भी थोड़ा बेटर है, लेकिन निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है आज भी। अभी भी निफ्टी के अंदर एक अपटिक आया है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी वैसे का वैसा ही है। सो यहाँ पर आप क्या रीड कर रहे हो सुमित जी? जो कल का जो हाई बना था ना, वो एग्जैक्टली 50 दिन के मूविंग एवरेज पे उसने रेजिस्टेंस लिया है, और 51,000 और 51,500 ये रेंज है बैंक निफ्टी का, तो मुझे लगता है ये जो 51,500-51,600 सप्लाई पॉइंट है बैंक निफ्टी का, इसको हमें काफी स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज जो चाहिए। हालांकि मैं पिछले हफ्ते भी यही बता रहा था कि वीकली क्लोज चाहिए हमें 51,500-51,600 की, अगर ये होता है तो हम बैंक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, बट राइट नाउ ये करंट सिनेरियो पे अभी साइडवेज ही है, रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी बैंक अभी ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे रजिस्टर कहां पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? लॉन्ग हमने MGL पे एक पोजीशन बनाया हुआ है, हमें लगता है कि MGL में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, 1830-35 के पास ट्रेड कर रहा है, इसमें और एक 50 पॉइंट का मूव मुझे MGL में मुझे लाइक 3-4 दिन में मुझे लगता है एक मोमेंटम ट्रेड बन सकता है, और जो स्टॉप लॉस है 1790 के पास में लेके चल रहा हूँ, और 50 पॉइंट का एक अपसाइड में MGL में देख रहा हूँ। और एक डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉक आज जो निकला टाटा केमिकल, अगर आप देखोगे 1100 के पे काफी सारे कॉल राइटर्स थे जिन्होंने पोजीशंस आज अभी काटे हैं, तो मुझे लगता है टेक्निकली और डेरिवेटिव दोनों ही नजर, जैसे टाटा केमिकल में एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है, 1150 से 1160 तक का एक अपॉर्चुनिटी टाटा केमिकल में होता है। ओके, तो महानगर गैस पहला नाम और दूसरा नाम है टाटा टेक, माफ कीजिएगा टाटा केमिकल, इनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। टाटा केमिकल DII के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, और ये आम तौर पे जब भी कभी अपनी बुक वैल्यू के करीब आता है स्पाइक आ ही जाता है इसमें। 1830 के आसपास महानगर गैस अभी कामकाज कर रहा है, और दूसरा नाम जो रहेगा वो है टाटा केमिकल, जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं जाते हुए भी DII के आसपास, वो भी ट्रेड कर रहा है 1118-1120 के जोन्स में। अब जरा मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर भी रुक कर लेते हैं कि मिड कैप स्लोली एंड स्टेडली डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा बहुत अपमूव यहाँ पर आया है और करीब 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ कहाँ पर मूव है जरा वो भी देख लीजिए, कि जो आज बेटर साइड पर मूव है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज में, ग्लैंड फार्मा 5% ऊपर है, भारत डायनेमिक्स 2% ऊपर, डिक्सन टेक FNO के टॉप गेनर में शुमार 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है,
इसके अलावा कुछ और नामों में जहां पर गिरावट है उसमें जी एंटरटेनमेंट एक स्पाइक था, उसके बाद 3% नीचे, पीबी फिनटेक 2% नीचे, टोरेंट फार्मा करीब करीब, टोरेंट पावर 1.5% नीचे, और जेडब्ल्यू एनर्जी करीब 1% नीचे, ये भी कामकाज कर रहा है। केमिकल स्पेस में खरीदारी है, टाटा केमिकल का भी जिक्र हुआ ही, कनौरिया केमिकल, एजिस लॉजिस्टिक्स, कैमलिन फाइन 2.5 से लेकर 5-6% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल में से रेमंड चल रहा है, अंबिका कॉटन चल रहा है 2% ऊपर, वर्धमान टेक्सटाइल 1% ऊपर, बॉम्बे बर्मा करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन बढ़िया तेजी आज डिफेंस स्पेस में, मजगांव डॉक 5.5% ऊपर, भारत डायनेमिक्स 2% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड 2.5% ऊपर, HAL 3% की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो पूरे डिफेंस स्पेस के अंदर आज एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, डिफेंस स्पेस में क्योंकि जोरदार तेजी है तो दरअसल आज दोपहर DAC की एक बैठक होने वाली है और DAC के 1.3 लाख करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी मिल सकती है। ये पूरी डिटेल लेते हैं, हमारे साथ लक्ष्मण जी मौजूद भी हैं इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। तो लक्ष्मण जी, एक रक्षा मंत्री की अगुवाई में DAC की बैठक है और इस बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं, खास तौर से नेवी के वॉरशिप्स को लेकर, क्या डिटेल है आपके पास? फैसले होने की संभावना है, उसमें से एक है नेवी के लिए। नेवी के लिए 7 नए वॉरशिप बनाने का प्रस्ताव है। ये जो 7 नए वॉरशिप बनाए जाएंगे, एक की कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए होती है, तो कुल मिलाकर ये सारा प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ रुपए का है। और इसमें बनाने वाली जो कंपनियां दिलचस्पी दिखाती हैं उसमें मजगांव डॉकयार्ड और गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC दोनों कंपनियां होती हैं। तो अभी खुद MDL 4 बना रही है, GRSC 3 बना रही है। अब ये जो 7 के नए ऑर्डर आएंगे तो हो सकता है कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है MDL और GRSC के खाते में आए, तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ सकती है DAC की बैठक से। दूसरा, 26 राफेल मेरी टाइम फाइटर खरीदने का प्रस्ताव है, इसको भी मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में। और 1,700 नए टैंक इंडियन आर्मी में शामिल किए जाएंगे, तो इंडियन आर्मी के लिए टैंक खरीदे जाएंगे, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। तो कई सारे प्रस्ताव जिनको मंजूरी मिल सकती है, 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक सौदा, और बाकी टैंक्स को लेकर भी कुछ फैसले आ सकते हैं, इम्पैक्ट भी है, HAL, कोचिन, मासगांव सब में खरीदारी है। ब्रिजेश सर, कोई नाम आप इनमें से पिक कर पा रहे हो क्या, HAL या मासगांव डॉक में से? ये अगर किसी को लंबे अवधि से ट्रेड करना तो HAL में अपॉर्चुनिटी है। HAL में उतना करेक्शन हमने नहीं देखा था, तो मजगांव में भी बाउंस बैक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा क्योंकि बाउंस बैक ज्यादा नहीं होगा, 200-250 पॉइंट का ही बाउंस बैक यहाँ पे दे रहे हैं। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, आज के लो के हिसाब से हम लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन अगर HAL पे अगर हम व्यू मानते तो लॉन्ग टर्म का इसमें चार्ट अभी भी पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी हमें लगता है कि 5,500 के आसपास ही ट्रेड कर सकते हैं। तो डायरेक्शनली HAL पे हम व्यू ले रहे हैं, क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि बाय कर सकते हैं। मजगांव पे हालांकि एक करेक्शन आया था तो अभी बाउंस बैक है, तो बाउंस पे 4,800-4,900 के आसपास देख रहे, उतना बाउंस आ सकता है, वहां पे हम हमारा पोजिशन रिव्यू करने वाले हैं। 4,800-4,900 के आसपास मजगांव डॉक में पोजीशंस को रिव्यू किया जाएगा। हालांकि अभी एक अच्छी तेजी में ये स्टॉक्स कामकाज कर भी रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और शेयर भी हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे, और खास तौर से न्यू एज कंपनीज के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस बाद। आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा और मार्केट्स में तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन अहम खबरों में एक और अहम खबर है जहां पर ब्लिंकिट, जोमैटो और बिग बास्केट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने के पर सरकार विचार कर रही है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी मौजूद भी हैं। तो आलोक, ये शायद 10 मिनट में जो डिलीवरी की बातचीत है उस डिलीवरी को लेकर सरकार कुछ गंभीर फैसले ले सकती है या फिर उसको लेकर कुछ रेगुलेशन आ सकता है, क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं वो जिस तरह से एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रही हैं और जिस तरह से जो लोकल किराना स्टोर हैं
उनको एक तरह से खतरा हो गया है, इसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है। दरअसल जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साथ एक बातचीत की है, एक प्रपोजल भेजा है जिसमें कहा है कि जो लोकल किराना स्टोर्स हैं वो इस तरह से जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं उनके मुकाबले एक तरह से उनके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लिहाजा इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और जो क्विक कॉमर्स कंपनियां जिस तरह से अनफेयर प्रैक्टिसेस अपना रही हैं, जैसे डीप डिस्काउंट या जिस तरह की जो चीज़ें प्रेडेटरी प्राइसिंग करती हैं, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। तो लिहाजा इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए इस पर चर्चा कीजिए। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसमें जो डिजिटल कंपटीशन बिल आ रहा है जिसकी तैयारी चल रही है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इसको रेगुलेट करने पर विचार कर रहा है, जितनी भी क्विक कॉमर्स कंपनियां होंगी उनको और लोकल किराना स्टोर को लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह से मुहैया कराई जाए इसको लेकर इस बिल में व्यवस्था की जाएगी। मैं बता दूं कि बिल का ड्राफ्ट तैयार है, इस पर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन हो चुका है, इंटर मिनिस्ट्रियल चर्चा चल रही है और इसी इंटर मिनिस्ट्रियल चर्चा के दौरान कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरह का एक कंसर्न सामने आया जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स अब इस पूरे जो सेगमेंट है जो क्विक कॉमर्स का जो 10 मिनट डिलीवरी वाला सेगमेंट है इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए उस पर चर्चा कर रही है। तो माना जा रहा है कि जब ये विंटर सेशन में बिल आएगा तो कहीं ना कहीं इस जो क्विक कॉमर्स कंपनियों की जो स्ट्रेटजी है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उन पर कहीं ना कहीं आप लगाम या रोक लगते हुए देख सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ा अनफेयर प्रैक्टिसेस के ऊपर रोक लगते हुए दिखाई पड़े गोइंग फॉरवर्ड। ब्रिजेश सर, इसमें बहुत सारी कंपनियां तो है नहीं, एक जोमैटो लिस्टेड है, आप इसको कैसे रीड कर रहे हो, क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुमित, आज एक अच्छा मूव आया है जोमैटो में, तो मुझे लगता है कि ये वापस ये यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 300 के आसपास एक डायरेक्शनल व्यू बनता है यहाँ पे, काफी छोटा स्टॉप लॉस होता है 230 के अलग के साथ, हम इसमें अगर किसी को तेजी करना है तो हम इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो 230 के एक स्टॉप के साथ आप अगर बाय करना चाह रहे हैं तो पोजिशनल बाय हो सकता है जोमैटो, 248-249 के जोन्स में भी काम काज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक ये खबर हमसे शेयर करने के लिए और हमें इससे और बातचीत करने के लिए भी। लेकिन जोमैटो जो कि अभी फिलहाल 2% ऊपर काम काज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आगे इस पर और डिटेल आपसे हम लेते भी रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक और ब्रेक का अदर वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और खिलाड़ी का अपडेट भी जानेंगे, कुछ और स्टॉक्स भी होगी उन पर भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक की उस तरफ। आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और मार्केट्स में तो दायरे में ही कामकाज है। निफ्टी में एक स्पाइक जरूर आया है लेकिन वो स्पाइक के बाद निफ्टी अभी भी फ्लैट साइड पे ही कामकाज कर रहा है, इनफैक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आधार अब कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक में कोई स्पाइक नहीं है, निफ्टी बैंक बिल्कुल मोर लेस फ्लैट साइड पे ही है, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हुआ है FMCG की तरफ से, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हुआ है IT या फिर IT कंपनीज की तरफ से, वो आपको कुछ हद तक सपोर्ट दे रहा है शायद मार्केट्स में एक स्पाइक वहाँ से, और प्लस LNT लेकर आई है, LNT के अंदर एक स्पाइक आया है वो भी एक वजह है। ITC और LNT ये कुछ नाम है जहाँ पर एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। LNT का स्टॉक्स लेके आई है वहाँ किस तरह से एक्शन है, ये 6-6.5 अंकों के आसपास कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आया है, सो एक स्पाइक LNT का है जिसने भी बहुत हद तक सपोर्ट किया बाजार को। ब्रिजेश सर, LNT को लेके कुछ कहना चाहोगे आप, 0.5% का एक मूव आया इसमें अभी अभी? मुझे लग रहा है सुमित इसमें थोड़ा मोमेंटम है, तो एक पिछली बार 3850 के लेवल से सप्लाई आया था, तो मुझे लगता है उतना मोमेंटम इसमें और देखने को मिल सकता है, बायस पॉजिटिव है, तो 3850 तक का एक प्ले तो डेफिनेटली बनता है इसमें LNT में। तो LNT 3705-3710 के जोन्स में कामकाज कर रहा है और एक का एक स्पाइक इसमें था जिसकी वजह से निफ्टी में एक बढ़िया अपमूव लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा, प्लस IT का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं, इस हफ्ते पिछले कई हफ्तों के जो विजेता खिलाड़ी हैं वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने गेम्स जीते हैं, तो पंकज जी जो कि अब 3.5% के नेगेटिव रिटर्न में चले गए हैं, अमित जी फ्लैट टू नेगेटिव हैं, और आशीष जी का रिटर्न अब
करीब 5.5% के आसपास का पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। आशीष जी ने शुरुआत सुस्त की थी लेकिन धीरे धीरे पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा तो इनका रिटर्न अब 5.5% पॉजिटिव आ चुका है। मिडकैप मंत्रा को अब यहीं से बैठेंगे और एक ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे शारदा क्रॉपकेम के CMD RV बुबना जी से, जो कि हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ ही देर में। उनसे भी चर्चा करेंगे कंपनी के विस्तार योजनाओं पर और मॉनसून के नंबर्स, किस तरह का इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशन है, इन सब पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।